तो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मास्टर साहब और हम हैं आयुष। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग मेवार सब स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग के बारे में बातचीत करेंगे। इससे पहले स्टूडेंट बता दूं कि अगर आपने राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग के लेक्चर को नहीं देखा है, जो थ्योरी बेस्ड लेक्चर है जिसमें मैंने पूरे थ्योरी को पढ़ाया, तो जाके सबसे पहले उसको देखिए, उसके बाद सब स्कूल के लेक्चर है उसको देखिए, और उसके बाद स्टूडेंट पेंटिंग वाइज हम लेक्चर शूट करके डाल देंगे, ठीक है, तो उसको देखिएगा। ठीक, आज हम लोग जो स्टूडेंट बात करने जा रहे हैं मेवार सब स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग का, ठीक, मेवार जो स्टूडेंट आजकल उदयपुर के नाम से भी जाने जाना लगा है। अब देखिए रहे हैं कि हर शहर का नाम सब बदल रहा है, लेकिन आज मेवार का नाम उदयपुर हो गया है। ठीक, तो घबराइएगा नहीं, बोर्ड में मेवार उदयपुर कुछ भी हो लेकिन मेवार ही होगा, तो एक ही चीज़ है, इसलिए कोई घबराए नहीं। तो मेवार यानी उदयपुर सब स्कूल के बारे में आज हम लोग पूरा डिटेल जानेंगे, ठीक है स्टूडेंट। अब आइए स्टूडेंट जानते हैं कि मेवार सब स्कूल है क्या। अब बहुत लड़का लोग यहाँ पे कह रहा होगा कि सर, हमको सब स्कूल जाना क्यों ज़रूरी है, हम तो अपना स्कूल का नाम जानिए रहे, हमको दूसरे का स्कूल का नाम जानना क्यों ज़रूरी है। तो सब स्कूल मतलब स्टूडेंट कोई स्कूल नहीं होता है, इन्हें मत समझ लीजिएगा कोई बच्चा कि स्कूल होता है। सब स्कूल का मतलब ये होता है कि केंद्र, सेंटर, जैसे राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग की शुरुआत हुई तो कहाँ कहाँ उसका सेंटर था। जैसे आप देखेंगे कि आज़ादी का आंदोलन हुआ तो उसका सेंटर था, जैसे हमारे बिहार में चंपारण था, उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा था, ये सब सेंटर, उसी टाइप से सब स्कूल सेंटर को ही कहते हैं। लेकिन बोर्ड में या आप कहीं भी क्वेश्चन लिखे हो तो सब स्कूल का ही यूज करें। तो मेवार सब स्कूल में स्टूडेंट हमको क्या देखने को मिला कि मेवार सब स्कूल राजस्थानी पेंटिंग का केंद्र था। सबसे पहले राजस्थान में पेंटिंग बनना मेवार से ही शुरू हुआ था। कब? तो बिगनिंग ऑफ 15th century, यानी कि 15वीं शताब्दी के शुरुआत में यहीं से राजस्थानी स्कूल की पेंटिंग की शुरुआत भी हुई थी। मेवार सब स्कूल ही था, मतलब मेवार ही वो फर्स्ट जगह था जहां से राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग की शुरुआत हुई थी, राजस्थानी कला की शुरुआत हुई थी। लेकिन स्टूडेंट हमको जो मोस्ट डेवलप पेंटिंग देखने को मिला वो पालम भागवत के पेंटिंग में मिला, जो जिन्होंने 1555 AD में उन्होंने उस पेंटिंग को बनाया था, जो मोस्ट डेवलप पेंटिंग था राजस्थानी स्कूल का, यानी कि मेवार का था वो, इस बात को समझिए। उसके बाद स्टूडेंट इस सब स्कूल के कुछ फेमस पेंटर है, जैसे शहाबुद्दीन है, मनोहर है, शहाबुद्दीन जिन्होंने मरू रागनी बनाया था, आगे हम लोग जब पेंटिंग पढ़ेंगे डिटेल में उसमें पढ़ेंगे। तो मेवार स्कूल की शुरुआत कब हो गई थी, तो बिगनिंग ऑफ 15th century। मोस्ट डेवलप पेंटिंग हमें कहाँ देखने को मिला, तो पालम भागवत के पेंटिंग में मिला। शहाबुद्दीन है, मनोहर है, ये सब फेमस पेंटर है, और हमें इतना आ गया, बस हो गया, क्योंकि सब स्कूल पे जो नोट्स आता है वो 1 से 2 नंबर का रहता है, और इस बार तो पैटर्न भी चेंज है, तो आएगा तो ये आप ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। और MCQ में भी आने का चांस है कि मोस्ट डेवलप पेंटिंग हमें कब देखने को मिला पालम भागवत के पेंटिंग में। तो ये था मेवार सब स्कूल। इसके बाद बीकानेर का भी लेक्चर अपलोड है, तो बीकानेर सब स्कूल को भी देखिएगा और नोट्स बनाते चलिएगा, और राजस्थानी स्कूल का जो लेक्चर अपलोड किए उसको भी स्टूडेंट ज़रूर देखिएगा। तो तब तक के लिए विदा लेते हैं, विदा तो नहीं लेते, अभी तो राजस्थान में ही घूम रहे हैं, तो राजस्थान में अभी घूमिए, पेंटिंग में पूरे मार्क्स हम लवा, मतलब कि ले, आपके मार्क्स आ जाएंगे, छोड़िए बोलने हमको नहीं आ रहा, आपके मार्क्स आ जाएंगे, उतना घबराइए नहीं, पूरे पेंटिंग को ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा, नहीं तो यही जो शहाबुद्दीन जी का भूत है उसी के पास आपको छोड़ देंगे। धन्यवाद।